और हरियाणा सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। जी हाँ, चंडीगढ़ से इनेलो नेता बिजन चौटाला का बयान सामने आया। हरियाणा सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश पर 3,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र सीएम मनोहर लाल जारी करें, ऐसा उन्होंने कहा। सरकार ने कितनी नौकरियां दी हैं ये भी सरकार बताए। अभय चौटाला ने ये सवाल दागा है सरकार के बारे में और प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर होने की बात भी अभय चौटाला के द्वारा कही गई। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। अभय सिंह चौटाला ने निशाना साधा है सरकार पर और कई सारे सवाल सरकार से पूछे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर 3,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की बात भी उन्होंने कही है। उनका यह कहना है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर मुख्यमंत्री श्वेत पत्र जारी करें। इसके अलावा अभय चौटाला ने सरकार से हिसाब मांगा कि सरकार ने अपने कार्यकाल में कितनी नौकरियां दी हैं इसका भी हिसाब बताया जाए और प्रदेश में भ्रष्टाचार के चरम पर होने की बात वो भी अभय सिंह चौटाला ने अपनी बात में कही। संवाददाता रवि कालीनमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं अधिक जानकारियों के लिए। रवि, निशाना साधा है सरकार पर, सवाल दागे हैं सरकार पर अभय सिंह चौटाला ने, बताइए क्या कुछ और जानकारियां हैं आपके पास? बिल्कुल केशव, देखिए इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के 8 साल के कार्यकाल पर उन्होंने निशाना साधा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि सरकार 2005 में जब गई थी, इनेलो सरकार जब थी, तो 3,000 करोड़ रुपए खाते में छोड़कर गए थे। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आज प्रदेश पर 3,00,000 करोड़ का जो कर्जा है वो सरकार ने किया है। सीएम ने विकास किया है कहने की बजाय विनाश किया है, ये बोलना चाहिए, ये कहना था अभय सिंह चौटाला का। इसके साथ साथ सीएम को श्वेत पत्र जो है आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, ये मांग की है अभय सिंह चौटाला ने। इसके साथ साथ सरकार ये बताए कि 3,00,000 करोड़ का जो कर्जा है वो खर्च किन किन विभागों में और किस किस परियोजना पर किया गया है। आने वाले विधानसभा सेशन में भी ये उनकी तरफ से एक सवाल जो है वो लगाया जाएगा। अभय सिंह ने साथ साथ ये भी कहा है कि अमृत योजना और स्मार्ट सिटी के नाम पर कितना पैसा है इसका ब्यौरा देना चाहिए। सरकार ने कितनी नौकरी दी है, सरकार ये भी बताए, इन 3 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है और चरम पर पहुंचा है। पीडब्ल्यूडी की मीटिंग में सीएम ने कॉन्ट्रैक्टरों से बोला था कि हमें कमीशन देना पड़ता था। इस प्रकार की जो बातें हैं इस सरकार में जो है भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए अभय सिंह चौटाला नजर आए। और एसएससी चेयरमैन भारती पर नौकरियों में गड़बड़ी के आरोप लगे थे और सीएम ने इन्हें हटाने की वजह क्लीन चिट दी थी। और अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि अब उन्हीं को राजनीतिक जो सलाहकार है वो बनाया गया है। तो ये तमाम जो बातें ही सरकार के 8 साल के कार्यकाल पर अभय सिंह चौटाला सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। चलिए, कोई रिएक्शन भी आया क्या बीजेपी की या सरकार की तरफ से आरबी अभय सिंह चौटाला की स्टेटमेंट के ऊपर? देखिए अभी तक इस प्रकार का कोई जो रिएक्शन है वो नहीं आया। जैसे ही कोई रिएक्शन आता है तो हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से सरकार के 8 साल का कार्यकाल पर जो सवाल खड़े किए हैं वो काफी गंभीर सवाल जो है अभय सिंह चौटाला ने उठाए हैं और देखना होगा कि सरकार की तरफ से अब क्या इस पर रिएक्शन आए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए रवि।